Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. Hello friends, Prakash Tarot Card Reader का बहुत बहुत नमस्कार. आगे बढ़ने से पहले आज मैंने ट्विटर पे एक बहुत ही अच्छी शायरी देखी. वो कुछ इस प्रकार थी कि आगे बढ़ता देश कभी ना होती मात, 15 को खुलता देश अगर ना होती जमात. तो ये जो रीडिंग है, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि एंजल कार्ड रीडिंग थी. आज मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की है. ये मौलाना साद के ऊपर और जिस तरीके के कार्ड दिख रहे हैं आपको, आप समझ सकते हो कि क्या बताने जा रहा हूं मैं. सबसे पहले, क्या अब ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा? तो ये धोखा देने में कामयाब हो रहा है, धोखा दे रहा है. चोरी वाला कार्ड है ये. मौलाना साद, तबलीगी जमात का इंडिया का हेड मौलाना साद. अब क्या इसे पॉलिटिकल संरक्षण प्राप्त है? इसको पैसे से मदद की जा रही है. अभी इसका उद्देश्य क्या था? ये जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक, इतने आज ही मैंने एक ट्वीट पढ़ा एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट का. उन्होंने लिखा था कि वहाँ पे निज़ामुद्दीन मरकज में 9000 लोग जमा थे, तबलीगी लोग, 9000 मौलाना. उसमें से केवल 3,500 के बारे में ही पता चला है इन्हें, बाकी के लोग अभी भी गायब हैं, जिनके पते गलत, जिनके फ़ोन नंबर नहीं लग रहे हैं, यानी इतने सारे लोग अभी भी गायब हैं. तो मैंने पूछा कि ऐसा सवाल रखा कि क्या उद्देश्य है, तो टावर कार्ड आया. इन्हें दहलाना, देश को दहलाना ये उद्देश्य है. शॉक, किसी भी तरह से जो बोलते हैं ना, अच्छा सब कुछ चल रहा है, उसको और यानी तकलीफ में आए देश, ये उनका उद्देश्य. अब फिर मैंने सवाल रखा कि ये जो मौलाना साद है, तबलीगी जमात का इंडिया का हेड, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? तो ये आया है कार्ड. इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये बंदा कुछ गड़बड़ फैलाने वाला है, लोगों को उकसा सकता है. ये इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये बंदा लोगों को और उकसाएगा. ये कार्ड ही आप देख लीजिए, मारामारी वाला कार्ड है. एक ग्रुप है और आपस में सब लोग मारामारी कर रहे हैं. तो बस यही कहूँगा कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है तो देख लीजिए, जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी एजेंसी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसको पकड़िए, नहीं तो ये उत्पात मचाने के चक्कर में है. कार्ड साफ साफ बता रहे हैं. फिर क्या ये अकेला है या इसको कोई साथ भी दे रहा है? तो ये देखिए, ये कार्ड आया है. ये कार्ड साफ साफ शो करता है तीन लोग हैं, ग्रुप है. तो ये नहीं अकेला के दम पे नहीं कर रहा है, इसको पूरा पूरा सपोर्ट है. पैसे से सपोर्ट हमने देखा, लेकिन और भी काफ़ी सपोर्ट है इसको. अब कल हमने देखा था एंजल कार्ड रीडिंग में कि कोई इसको एक यूनिकॉर्न है, उसको कोई नचा रहा है. कोई लेडी थी, वो उसको नचा रही थी, ठीक है. वो तो हम इसको एक मिला के देख सकते हैं कि यस, ये किसी न किसी के कहने पे ही काम कर रहा है. इसका उद्देश्य जो था ये निज़ामुद्दीन मरकज के थ्रू, वो बहुत ही यही था कि इंडिया को दहलाना कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से. और अब उसमें पूरी तरह से तो कामयाब नहीं हुआ है अभी ये, बट आगे चल के इसका उद्देश्य अभी भी
ये छुपा हुआ क्यों है? इसका उद्देश्य अच्छा नहीं है, ये और भी उत्पात मचाने की सोच रहा है। क्या ये पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा इसके मंसूबों में? नहीं, मौलाना साद तबलीगी जमात का इंडिया का हेड ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाकई में इन्हें इस तरीके से ये करेगी कि ये इसको इसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। तो क्या ये 30 मई 2020 तक पकड़ा जाएगा मौलाना साद? ये देखिए डेथ कार्ड आया है, नई शुरुआत, यानी कहीं ना कहीं ये दिखता तो है कि 30 मई से पहले इसका कुछ ना कुछ निकाल लगने वाला है, क्योंकि डेथ कार्ड आया है तो। एंड ये साफ साफ शो करता है कि एक चक्र खत्म होगा, नया चक्र शुरू। तो ये अपने मंसूबों में तो कामयाब नहीं हो पाएगा, ये बात पक्की है। बट यस, सावधानी की ज़रूरत है और जल्द से जल्द जितने भी तबलीगी जमाती हैं उन तक पहुंचने की ज़रूरत है, इससे पहले कि वो और गंदगी फैला दें। दैट्स इट। आपको ये रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।